नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO ग्रेड 2 की वैकेंसी आ गई है। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो हमारी भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, खुफिया विभाग है, उसकी उसका ये रिक्रूटमेंट है 2017 का। और मैं उसमें जो भी आपको कैसे फॉर्म भरना है ये सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सब के बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये फॉर्म आप जरूर भरें। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो हैं 1430, और जिसमें अनरिजर्वड जो जनरल वालों के लिए हैं वो है वैकेंसी 951, OBC 184, SC 109, ST 56। इसके अलावा अगर एक्स सर्विसमैन आप हैं तो 130 वैकेंसीज आपको इसमें मिलेंगी। तो अच्छी खासी जनरल के लिए तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, ये फॉर्म जरूर आपको भरना चाहिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करते हैं, तो लास्ट डेट जो है वो है 2 सितंबर 2/9/2017। इसके बाद एग्जाम की जो डेट है वो है 15 अक्टूबर को, और टायर 1 और टायर 2 दो एग्जाम होंगे। इसके बाद फिर इंटरव्यू भी होगा। तो टायर 1 की जो एग्जाम डेट है वो 15 अक्टूबर है, टायर 2 की जो एग्जाम डेट है वो 7 जनवरी 2017 नहीं है, 2018 है। तो 15 अक्टूबर 2017 को ये टायर 1 का एग्जाम होगा और 7 जनवरी 2018 को टायर 2 का एग्जाम होगा। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड है वो सितंबर लास्ट में अक्टूबर फर्स्ट में आपको मिल जाएंगे, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में इसके मतलब आपको आपको एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। और ये जो स्टार्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन मतलब 12/8/2017 मतलब ये स्टार्ट हो चुका है, इसकी ऑनलाइन लिंक भी ओपन हो चुकी है, आपको पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। इसके बाद हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल सी एक बैचलर डिग्री चाहिए, कोई भी हो आपके पास, BA BSc BE कोई भी डिग्री हो, कोई भी डिग्री यहाँ से चलेगी। बस आपका एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस मस्ट है कंप्यूटर नॉलेज आपको इसमें होनी चाहिए। इसके बाद हम एज क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो एज क्राइटेरिया मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 27 साल। अगर आप 27 साल से ज़्यादा हैं तो आप इसको नहीं भर सकते। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं उनके हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। पे स्केल भी इसमें काफ़ी अच्छा है, 9300 से 34800 का पे स्केल है, ग्रेड पे है 4200, मतलब अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर हम बात करते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए एग्जाम पैटर्न में 3 मेन पॉइंट हैं आपके, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। तो आपका जो इंटरव्यू है वो 100 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर है वो भी 100 नंबर का होगा, 60 मिनट मतलब 1 घंटे का पूरा पेपर होगा। इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस में सब कुछ आ जाएगा आपका, इंडिया के जनरल नॉलेज के बारे में, वर्ल्ड के जनरल नॉलेज के बारे में। तो अब इंडिया का जो जनरल नॉलेज है तो इंडिया की हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, मतलब सब कुछ आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको करंट अफेयर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, जिसमें आपका सीरीज वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब सॉरी ये जो परसेंटेज होता है, प्रॉफिट लॉस, कंबाइंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो आपकी आती हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, ये भी आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी जो है, जैसे आपका रीजनिंग जो होती है, या जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं कि 3 फिगर दिए होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें एनालिटिकल एबिलिटी में आती हैं। तो लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी मतलब रीजनिंग में जो सीरीज वाले क्वेश्चन हैं आपके, एज वाले क्वेश्चन हैं जो आपके, सिलोगिज्म वाले जो क्वेश्चन हैं आपके, ये सारे आपसे इसमें मतलब कंप्लीट एक कोई मतलब स्पेसिफिक नहीं किया गया है इसमें कि आपसे क्या पूछा जाएगा, मतलब रीजनिंग मतलब सब कुछ इसमें आपसे पूछ सकते हैं वो। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज भी रहेगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज में मेनली इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपसे इसमें पूछी जाएंगी। टोटल 100 नंबर का ये पेपर होगा 1 घंटे का। इसका जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, इसमें आपको एक टॉपिक दिया होगा, उस पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जो 30 नंबर का होगा। इसके अलावा इंग्लिश कंप्रहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग के 20 नंबर होंगे, और ये दोनों होंगे आपके 1 घंटे के अंदर आपको करना पड़ेगा। फिर इंटरव्यू हुआ होगा आपका जो 100 नंबर का होगा। तो कुल मिला के 250 नंबर का ये पूरा बन रहा है, टायर 1 टायर 2 और आपका इंटरव्यू। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, और ये होगा आपका टायर 1 में, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका इसी में ही रहेगा। इसके बाद अगर आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा, और केवल वो कैंडिडेट्स टायर 2 में कॉल किए जाएंगे, उनको सिर्फ बुलाया जाएगा टायर 2 में, जिनको एक सर्टेन स्टैंडर्ड मतलब एक पर्टिकुलर एक कट ऑफ होगा टायर 1 का, अगर आप कट ऑफ पार करोगे तो आपको टायर 2 में बुलाया जाएगा, अदरवाइज नहीं बुलाया जाएगा। और जो टायर 2 एग्जामिनेशन है तो इसका भी एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो होगा वो 33% होगा, कम से कम 33% मार्क्स आपको लेके आने ही पड़ेंगे।
फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपए की फीस है, जो बहुत कम है, हर कोई इसका फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा जो फीमेल हैं, एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई भी फी नहीं इसमें लगेगी। लास्ट डेट है इसकी 2 सितंबर 2017। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 सितंबर के लिए नहीं, 2 सितंबर के लिए ना बैठी रहें, अभी 1-2 दिन के अंदर ही इस फॉर्म को फिलअप करें। सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस इसके हैं, डिटेल में मैं इसकी पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे ग्रुप जो है हमारा, उस पर भी मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो ऑनलाइन लिंक है जहां से आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसकी लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक से इस फॉर्म तक पहुंच सकते हैं और अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिए टोटल 5 स्टेज हैं और 5 स्टेज में आपका टायर 1 एग्जाम होगा, टायर 2 एग्जाम होगा, देन इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपको इंटरव्यू के बाद कॉल आती है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो कुल मिला के 5 स्टेज हैं जो आपको पूरी कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एबिलिटी है भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ काम करने की, तो आपको जरूर इस फॉर्म को भरना चाहिए। और मैं तो सबसे कहूंगा कि सब लोग भरें, इसका एग्जाम दें, आपको पता चलेगा। हो सकता है पहली बार में सफल ना हो पाए, लेकिन आपको पता जरूर चलेगा कि आपका ये एग्जाम है वो कैसा आता है, और नेक्स्ट टाइम आप इसके लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। तो मैं आपसे यही कहूंगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फॉर्म आप जरूर भरें। आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी आप कर रहे हो, लेकिन आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए और इसकी तैयारी जरूर आपको करनी चाहिए। क्योंकि ज्यादातर चीजें जो हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं, तो अगर मान लो आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज तो पढ़ ही रहे होंगे, रीजनिंग आप पढ़ ही रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप पढ़ ही रहे होंगे, जनरल अवेयरनेस आप पढ़ ही रहे होंगे। बस ये है कि व्यापम के लिए एमपी का थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको है कि एमपी से शायद ही एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से आए, मतलब जो एमपी के वो क्वेश्चन जो पूरे इंडिया की जनरल नॉलेज में आते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो करंट अफेयर है, ये मतलब थोड़ी सी तैयारी आपको ज्यादा जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये एग्जाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इसमें सैलरी है, व्यापम से तो कहीं ज्यादा अच्छा ये एग्जाम है आपका, और सैलरी भी काफी अच्छी आपको इसमें मिलेगी। इसके अलावा ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो एग्जाम होगा, इसमें जरूर आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन जो इंग्लिश कंप्रहेंशन है तो आपका एसआई के एग्जाम में भी पूछा जाना है, तो आपको ये तैयारी तो करनी ही करनी है। तो बहुत सारी तैयारी आपकी जो है वो कॉमन है, तो आप इसको कर सकते हैं। बस इंटरव्यू का जो रहेगा आपका, इंटरव्यू के लिए मतलब आपके अंदर कुछ बहुत कुछ नहीं, मतलब बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें ऐसी होनी चाहिए, जो एक एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, एक जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे इसका नाम है इंटेलिजेंस, तो वहां पे इंटेलिजेंस आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि आप देश के खुफिया विभाग के लिए काम इसमें करोगे आगे जाके। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा जो परफॉर्म जैसे सिलेक्शन प्रोसीजर जो है कि आपको कैसे इसमें करना है और कैसे आपको इसमें सिलेक्ट होना है। बाकी सारी चीजें का जो इसका जो पीडीएफ फाइल है, जो ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ डिटेल में मैं पीडीएफ फाइल जरूर अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम से ये लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है, उस फेसबुक के ग्रुप पे भी मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो सारी लिंक्स हैं हमारी, ये लिंक्स हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, आप वहां से इस लिंक पे जाके ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लिंक पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा आप वीडियोस को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वैकेंसीज का लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। Oh, 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 oh